तो जब लास्ट टाइम मैंने जो है एक एलियन वाला गेम खेला था जिसका नाम था द विजिटर, उसमें एक एलियन होता है छोटा सा जो कि सबको खा के ना बड़ा हो जाता है। तो आज ना उसी का एक सेकंड पार्ट जो हम खेलने वाले हैं, मतलब उसी गेम का, द विजिटर रिटर्न्स। और लास्ट वाले गेम में ना आपने काफी सारे लोगों ने बोला था ऐसे ही जो गेम्स है इनको खेलने के लिए, तो फटाफट इस गेम को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इस गेम में आखिर में कौन कौन से नए नए सीन्स आते हैं या फिर कौन कौन से नए नए पजल्स आते हैं। तो फटाफट इस गेम को यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, तो ये है द विजिटर रिटर्न्स। तो अगर मैं इसको प्ले करूँ तो यहाँ पर अपना जो एलियन था ना छोटा सा, वो फिर से छोटा सा हो चुका है। मतलब पहले वाले गेम में जो अपना छोटा सा एलियन था ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इस रकून की यहाँ पे खैर नहीं है, क्योंकि मैं इस रकून को यहाँ पे खाने वाला हूँ। मुझे तो ऐसे लग रहा है, ओ इस रकून ने मुझे मार दिया, मतलब कि मुझे यहाँ पे कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा इस रकून को खाने के लिए। ओके, तो अगर मैं इसको देखूँ तो इसमें पड़ा एक हथौड़ा, हथौड़े से मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, नहीं हथौड़े से मैं इसको मार सकता हूँ, हथौड़े से मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक सेकेंड, ये क्या है, इसमें लाइट नहीं आ रही है। ओके, इस हथौड़े से मैं इसको तोड़ सकता हूँ। अबे ये भी नहीं टूटा, हथौड़े से इसके मुंडी में मार सकता हूँ? नहीं मार सकता। ओके, तो यहाँ पर ना मुझे कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा, ये तो यहाँ पर चालू हो नहीं रही है। ये मेरे हिसाब से घास काटने वाली मशीन है, हाँ ये भाई है। टायर वगैरह फोड़ दूँ, इसको तोड़ दूँ, इसको तोड़ दूँ? नहीं, ये भी नहीं टूटने वाला। लाइट को फोड़ दूँ, लाइट भी नहीं टूटने वाली। तो मुझे इस हथौड़े का करना क्या आखिर में? हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ इस हथौड़े से। हाँ ये हुआ नहीं, ये हुई ना कोई बात। अब इसको मैं ओके, तो ये निकल गया है, ठीक है। अब इस रकून को ना इसके अंदर जाना है, तो मैं इसको खोल सकता हूँ। ओके, ये खोल चुका है और यहाँ पर कुछ पड़ा है, ये शायद इसको खाने आएगा। ऑल राइट, तो यहाँ पर ना मैंने इसको जैसे निकाला ना, तो यहाँ पर ये लाइट जो है जा चुकी है। एक सेकेंड, और अगर मैं इसको बार बार निकालूंगा तो इससे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन इसका जो कनेक्शन है मेरे हिसाब से शायद इसमें आ रहा हो। ओके, तो मैंने इसको केबल निकाल के इसमें लगा दिया और ये हो चुकी है चालू। अब मैं इसको चालू कर सकता हूँ और इसको देख के ये भाग गया, ठीक है। मतलब अब मैं इसके पास आ सकता हूँ और मैं इसको बंद कर दूंगा और ये आगे मुझे खाएगा और मैं इसके पेट के अंदर चला जाऊंगा और फिर इसके पेट से बाहर निकल जाऊंगा और मैं बन चुका हूँ, थोड़ा सा अपग्रेड हो चुका हूँ। मतलब कहने का मतलब, खैर मैंने इसको मार दिया है, अभी नेक्स्ट सीन आएगा, ठीक है। इसमें मैं मेरे मतलब मुझे समझ नहीं आया, उसके तो चार पैर थे ना, तो उसके पांच कैसे आ गए ये मुझे समझ नहीं आया। खैर यहाँ पर एक और जो है, क्या कह सकते हैं इसको, रकून कह सकते हैं क्या? हाँ रकून ही होगा ये। और खैर इस वैन को देख के ना मुझे बेन 10 की याद आ गई, क्योंकि बेन 10 की कार्टून में ना ऐसी कुछ वैन वगैरह होती थी। ऑल राइट, इसमें इसके पास, ठीक है इसके पास क्या है, ये इसके पास कुछ कैन है और ये कैन को खा रहा है। मैं इसको नहीं खा सकता, ठीक है, लेकिन मैं ओके, मकड़ी यहाँ पे आएगी और मकड़ी के साथ कुछ, हाँ मकड़ी को मैं खा सकता हूँ शायद, बढ़िया मकड़ी को मैंने खा लिया है। और ये क्या हो गया भाई, मेरे हिसाब से शायद से अब मैं स्पाइडर वेब फेंक सकता हूँ, लगता है तो मुझे कुछ ऐसा ही है। इसको मैं कहाँ रख दूँ, कहाँ रख दूँ? ओके, इसको उठा के मैं कुछ, हाँ इसको उठा के ना मैं जला सकता हूँ इस पर, ठीक है। इसको मैं यहाँ डाल सकता हूँ जिससे कि पेपर से आग जल्दी पकड़ जाएगी। अब मुझे यहाँ पे चाहिए, क्या चाहिए, माचिस चाहिए, मैच बॉक्स। तो मैच बॉक्स तो मुझे दिखाई दे नहीं रहा, शायद इसकी जेब में पड़ा हुआ। लाइटर, वाओ ठीक है, लाइटर से जला दो आग, ये जल गई आग, बढ़िया। अब क्या करना है मुझे, इसको उठा के, नहीं बियर की बोतल नहीं, कैन को डाल सकता हूँ क्या? हाँ ओके, तो यहाँ पर कैन में से कुछ निकला है और ये रखूँ यहाँ पे आके इसको खाने लगा, मतलब कि काम हो रहा है मेरा। अब मैं इस रकून के पास आ सकता हूँ क्या? शायद से आके मैं इस रकून को खा सकता हूँ, ये मुझे मारना दे। ऑल राइट, तो मैं समझ गया, बढ़िया अब मैं इसको खा सकता हूँ, घुस गया और अब मैं और बड़ा हो जाऊँगा। तो क्या हुआ, ओके तो अब मैं थोड़ा सा अजीब सा लग रहा हूँ, लेकिन ठीक है काम चला। ओके यहाँ पर एक छेद है, बट छेद के अंदर मैं जा सकता हूँ, पता नहीं, लेकिन वो कहीं और चला गया। ओके वो यहीं पर ही आ रहा है छेद के अंदर, मैंने तो तुक्का मार दिया और तुक्का भी सही हो गया। चलो इस वैन के अंदर पता नहीं कौन होगा। एक सेकेंड, मैंने गैस छोड़ दिया है, मतलब जहरीली गैस। ऑल राइट ठीक है, तो मैं इन ग्रैंडपा तो नहीं है बेन 10 के, बेन 10 का नाम तो मुझे एक्चुअली में याद नहीं है क्या था उसका, लेकिन ठीक है ये वैसे लग भी नहीं रहा है। तो यहाँ पर इनके पास भी एक डॉग है और यहाँ पर एक क्रैब है,
क्रैब को मैं खा लूँगा तो ठीक है, मेरी एक वो निकला है हाथ, और अभी मैं हाथ से क्या कर सकता हूँ, इस डॉग का मुझे कुछ करना पड़ेगा। इस डॉग का क्या कर सकता हूँ, मुझे कुछ चाहिए पड़ेगा, हड्डी बड्डी चाहिए पड़ेगी। हड्डी बड्डी मैं कहाँ से लाऊँ इसके लिए यार। ओके, गेट खुल सकता है क्या? नहीं, गेट नहीं खुल सकता। हाँ, ये खुल गया ना, ये आ गया, खा ले इसको, चल। ऑलराइट, तो इसको क्या लगा कि इसने गिरा दिया इसके डॉग ने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इसकी माता, नहीं, इस लाइटर का कुछ सीन है, लेकिन जब तक ये डॉग का मैं इंतजाम नहीं करूंगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ओके, तो मुझे बाहर जाऊंगा, ठीक है, मैं बाहर की तरफ आ चुका हूँ। अभी इसको बताना पड़ेगा मुझे, इस डॉग को, ये ले। ओके भाई, इतना सारा स्पाइडर वेब, चलो इस डॉग को भी खा लिया जाए। ओके, अभी मेरा उस डॉग पे जैसा मुंह आ गया है। अभी क्या करूँ, वापस से जाता हूँ मैं अंदर। अब तो वो मरेगा, अभी बुड्ढा मरेगा। चलो, ओ भाई, मैंने गलती कर दी थोड़ी सी, इसके लाइटर का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे ही नीचे झुकेगा ना, वैसे ही मुझे कुछ करना पड़ेगा। इस लाइटर का मैं इसको जला दूँ? नहीं, क्या करूँ इसका मैं? ठीक है, इसका मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? ओके, तो यहाँ पे मैंने आवाज़ की, लेकिन ओके, गिर पड़ा, इसके ऊपर जूस गिर पड़ा। अगर मैं बार बार आवाज़ करूँगा तो ये जो विस्की है ना, ये और गिरेगी। विस्की नहीं है ये, सॉरी, जो भी है। अभी मैं, ये अल्कोहल है ना। ओके, तो यहाँ पर ना मैंने ये कुछ रेड कलर कुछ निकाल लिया है। ऑल राइट, ठीक है, समझ गया मैं शायद ना इसको उठा के। ऑल राइट, ओह, इसका हाथ जल गया। चलो, अब ये कुछ करेगा, क्या करेगा ये? इसको मैं डायरेक्ट ले खा सकता हूँ क्या? हाँ, अभी मैं इसको ख़त्म कर सकता हूँ। हो गया ख़त्म, बढ़िया। ओ भाई, इसकी जीभ भी निकल गई बाहर। और एक सेकंड, यहाँ पे कोई और भी है। ठीक है, गनमन चला रही है क्या सीन है ये? ओ भाई, गोली चला रही है ये, वाह। और अब मर गया उससे। यहाँ पर ना थोड़ा सा मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो इसके अंदर कोई ना कोई तो है, और अगर इसके अंदर कोई ना कोई है तो वो मुझे मार देगी। तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा जिससे कि ये बाहर की तरफ आ जाए, लेकिन आएगी कैसे? मुझे नहीं लगता कि ये बाहर आएगी और ये मुझे मार देगी, तीन गोलियों में ख़त्म। मेरे पास मतलब एक ही चांस है, एक चांस में मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये बार बार ऐसे मार देगी तो ख़त्म है खेल। मैं बाहर, ओके, तो मैं बाहर की तरफ जा सकता हूँ। ठीक है, इस रूम में है ना वो, मैं इस रूम में यहाँ से जा सकता हूँ? नहीं, शायद से मैं यहाँ से जा सकता हूँ। ऑल राइट, उस रूम, बट मुझे ये यहाँ से भी मार रही है, मतलब मुझे कहीं और से जाना पड़ेगा। ओके, इसके अंदर क्या है? बोतल है। चलो, रास्ता साफ है, चलो अंदर, इस बार नहीं मार पाएगी। चलो, अभी मैं अंदर की तरफ घुस चुका हूँ। ओके, तो अभी मैं इसको अलग अलग तरीक़ों से मार सकता हूँ, मतलब मैं इसको क्रैब का डंक भी मार सकता हूँ, स्पाइडर का वेब फेंक के इसको मार सकता हूँ, एसिड फेंक के इसको मार सकता हूँ, डॉग के मुंह से मार सकता हूँ, या फिर रकून के पंजों से मार सकता हूँ। कैसे मारूँ? खैर, मुझे इनके पास काफ़ी सारे अलग अलग तरीके हैं, और इसके पास अगर गन है तो, गन है इसके पास, तो मेरे हिसाब से मुझे स्पाइडर वेब फेंकना चाहिए जिससे कि इसकी गन बंद हो जाए। ठीक है, तो मैंने एक तरीका तो उसका काम ख़त्म कर दिया है। अभी मेरे ऊपर गन तो चला नहीं पाएगी। ठीक है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, उसके ऊपर एसिड फेंक सकता हूँ। ओके, कैसे उल्टियाँ हो गई हैं। ठीक है, मैंने गन इसकी ले लिया है, इसको उल्टियाँ करवा दिया है। अभी इसको डंग मारूँ कि पंजे से मारूँ? मेरे हिसाब से इसको डंग मारना चाहिए। ओके, तो पता नहीं क्या निकला, जहर निकला हुआ ज़रूर। अभी इसको खाऊँगा तो नहीं, खाऊँगा नहीं, अभी पंजे से मारूँगा इसको। ओके, इसका चबड़ा तोड़ दिया मैंने, अभी मैं इसके अंदर जा सकता हूँ। ये गया इसके अंदर और मैं बन गया उससे भी बड़ा। ओ भाई, ये तो द विज़र्ड के पहले वाले गेम से भी बहुत ज़्यादा वो है। ऑल राइट, तो मैंने ना इसको मतलब सारे तरीके यूज़ कर लिए, और उसके बाद जो है मैंने इसको मार दिया। मुझे नहीं पता था कि मैं शायद इसको किसी और तरीके से भी जो है मार सकता हूँ, इतना मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीन को तो दोबारा खेलूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके बारे में ज़रूर से मुझे बता दीजिएगा। हो सकता है इसको ना मारने के अलग अलग तरीके और भी हो सकते हैं, तो उसके बारे में ज़रूर से मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और अगर आपको ये जो वीडियो है या फिर इसी टाइप के जो गेम्स है अगर आपको पसंद आ रहे हो, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। और मैं आपको मिलता हूँ ऐसे किसी बढ़िया से गेम्स के साथ नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक हमेशा की तरह खुश रहिएगा।